नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। लोगों की घर वापसी करवाई जा रही है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था उन लोगों की घर वापसी करवाई जा रही है। 1000 लोगों की मूल धर्म में वापसी हो रही है, जो दूसरे धर्म में चले गए थे ऐसे 1000 लोगों की घर वापसी। प्रबल प्रताप जुदेव घर वापसी करवा रहे हैं। धर्मांतरित लोगों की घर वापसी हो रही है। प्रबल प्रताप जूदेव और धीरेंद्र शास्त्री, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक पूरा कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम के दौरान ही घर वापसी अभियान। न्यूज 18 पर सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक बड़ा घर वापसी कार्यक्रम और जूदेव परिवार, दिलीप सिंह जूदेव की शुरू की गई ये परंपरा, अब प्रबल प्रताप जूदेव इसे आगे बढ़ा रहे हैं। घर वापसी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्हें वापस, उनकी वापसी करवाई जा रही है, घर वापसी करवाई जा रही है। प्रबल प्रताप जूदेव ये पूरा आयोजन करवा रहे हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी चूंकि रायपुर में ही है, उन्हीं के कार्यक्रम में ये घर वापसी हो रही है। हालांकि आदिवासियों के धर्म को लेकर अलग अलग समय में अलग अलग बातें कही गई, कई मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। क्या आदिवासियों का धर्म है क्या? सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, क्या कुछ अपडेट? घर वापसी कार्यक्रम, दिलीप सिंह जूदेव के रास्ते पर प्रबल प्रताप जूदेव, और क्या अपडेट? हाँ सर, हाँ चलिए, आकाश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि शोर भी ज्यादा हो रहा है, आयोजन जहां पर ये चल रहा है वहीं पर आकाश इस वक्त मौजूद है, एक बार फिर उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। 1000 लोगों की घर वापसी का ये पूरा आयोजन है और प्रबल प्रताप जूदेव ये आयोजन पूरा उन्होंने करवाया है। खबर भोपाल से, दिग्विजय के भाई ने फिर कांग्रेस को घेराया। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी में दलालों का कब्जा बताया है, पार्टी पर दलालों का कब्जा बताया है और यहां तक कह गए वो आज के दलालों से घिरे हैं दिग्विजय और इसीलिए उनका नाम बंटाधार पड़ा है। कांग्रेस ईवीएम से नहीं भितरगातियों से हारी है, पार्टी दलालों से चलेगी या कार्यकर्ताओं से, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अलग पार्टी बनाने के संकेत भी दिए हैं। और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया और मैं उनके संपर्क में हूं। मैंने आकलन किया नतीजों का और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया और मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है, हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं, क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं? कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत राज, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है
कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है, इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे, और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। और लक्ष्मण सिंह के अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद सियासत गर्म है। भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह का बयान सनसनीखेज है। उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। लक्ष्मण सिंह ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान। तो लक्ष्मण सिंह के बयान पर बयानों के सिलसिले चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह का ये निजी बयान है और ये बयान एक महीने पुराना वो बता रहे हैं। इसके बाद सरकार के मुख्यमंत्री भी बदल गए, कांग्रेस पार्टी ने नए अध्यक्ष चुन लिए, लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी हार की समीक्षा की होगी। जब भी कोई हार की समीक्षा करता है तो कई चीजें निकलकर सामने आती हैं। निजी बयान हो सकता है क्योंकि वो भी एक लंबे मार्जिन से जब व्यक्ति हारता है तो हार की समीक्षा करता है। कई उसके विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो उम्मीद के अनुरूप काम नहीं करते, हो सकता है वो कोई बात रही हो। लेकिन मुझे लगता है इस बात पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है और जहां तक बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने एक नया अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आदिवासी युवा नेता, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक उपनेता युवा बनाया है। तो मुझे लगता है पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि ठीक है हम पिछला चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन हाँ आगे की हमारी तैयारी ज़बरदस्त है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी से काम कर रही, तैयारी कर रही और आप देखें हम 15 से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं आज की तारीख में। इधर यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटों का ब्यौरा भेजकर इनमें से 11 सीट चुनने का ऑफर दिया गया है। एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है, अब तक कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से शुरुआत हुई है और गठबंधन की अच्छी शुरुआत है। ये सिलसिला जीत के समीकरण से आगे बढ़ेगा, इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देंगे। और सीट शेयरिंग को लेकर जयराम रमेश ने बयान दिया है। ट्वीट अखिलेश ने किया, कांग्रेस ने नहीं। अशोक गहलोत और अखिलेश के बीच अभी बात बाकी है, दोनों की मुलाकात भी होगी और कुछ तय होगा तो उसकी जानकारी दी जाएगी। ये तमाम बातें कह रहे हैं जयराम रमेश, हमारी तरफ से बातचीत हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंडी गठबंधन पर सवाल, इन सब के बीच ये दो बड़ी बातें, दो बड़े बयान जो इस वक्त हमने आपको बताए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, 11 सीटों की बात उन्होंने कही है। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और अखिलेश के बीच अभी बात बाकी है। इधर इंदौर में चला है बुलडोजर। सिंधी कॉलोनी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर दुकानों के बाहर से बेजा कब्जा हटाया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। इंदौर में बुलडोजर एक्शन।